हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपको भी सालाना 6,000 रुपये यानी प्रत्येक 4 महीना पर 2,000 रुपये मिल रहा है, तो फ्रेंड्स अब ये आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ नए सिस्टम लागू किए जिसके तहत आपका ये पेमेंट को बंद कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस पेमेंट को कंटिन्यू जारी रखने के लिए 6,000 का सालाना का बेनिफिट अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको मिल रहा है, तो इसको आप कैसे कंटिन्यू प्राप्त करते रहेंगे, इसके लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखते रहें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी रजिस्टर फार्मर के KYC करना मैंडेटरी कर दिया है, जिसके वजह से ये KYC अभी चालू कर दिया गया है। अगर आप KYC को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका ये पेमेंट कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, अगर आप KYC करेंगे तभी आपका पेमेंट जारी रहेगा। तो KYC के लिए आपके पास आधार कार्ड रहना अवेलेबल है, और साथ ही आपके पास रजिस्टर मोबाइल, आधार से रजिस्टर मोबाइल अगर है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही KYC को कंप्लीट कर लेंगे। या अगर आपके आधार से मोबाइल लिंक नहीं है तो आप किसी CSC सेंटर में जाके अपना KYC को कंप्लीट करेंगे, तो PM किसान सम्मान निधि योजना का 6,000 का सालाना बेनिफिट आपका जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ KYC के संबंधित कुछ एरर को लेकर। बहुत लोगों का KYC हो रहा है और बहुत लोगों का KYC नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है नो रिकॉर्ड फंड या इनवैलिड OTP। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी 100% सॉर्ट आउट करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखते रहें, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं, KYC वाले कॉर्नर पर आके आपको KYC वाले बॉक्स पर टैप करनी है। जैसे आप KYC वाले ऑप्शन पर आते हैं, सिंपली यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को एंटर करना है। तो चलिए अभी हम आधार नंबर को एंटर करते हैं, और नेक्स्ट है इमेज टेक्स्ट। तो आपको सामने जो भी इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप इमेज कोड को फिल करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो साइड में सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो रिकॉर्ड नोट फंड का ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम अभी सभी लोगों के साथ हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसका शॉर्ट आउट अभी करके मैं दिखा रहा हूँ कि रिकॉर्ड नोट फंड क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, आप मोबाइल फ़ोन से करेंगे तो ये रिकॉर्ड नोट फंड का एरर आएगा ही आएगा, तो आपको मोबाइल फ़ोन से नहीं करना है, सिंपली आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से करेंगे। तो चलिए अभी हम लैपटॉप कंप्यूटर पर आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, यहाँ पर KYC वाले कॉर्नर पर आए हैं, और यहाँ पर सेम प्रोसेस, उसी आधार नंबर को फिर से हम एंटर कर रहे हैं, और आधार नंबर के बाद इमेज टेक्स्ट यानी कैप्चा कोड को एंटर करते हैं। तो जैसे ही आप इमेज कोड को एंटर करते हैं, फिर से आपको सर्च वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड नोट फंड का कोई इस तरह का प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मोबाइल से करना ही नहीं है, मोबाइल में भी इसी तरह का एरर आ ही रहा है, तो फ्रेंड्स आपको किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से ही करना है। तो यहाँ पर चलिए अभी मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं। तो जैसे आप मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, सिंपली गेट OTP वाले बॉक्स पर टैप करना है। तो जैसे ही आप OTP वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, OTP एंटर करने के बाद सिंपली सबमिट फॉर ऑथेंटिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे तो ये इनवैलिड OTP का एरर आ रहा है, ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रहा है। तो ये कुछ ऊपर से प्रॉब्लम है, इसका जल्द ही शॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन किसी किसी का भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, नो रिकॉर्ड फंड का एरर तभी आएगा जब आप मोबाइल फ़ोन से करेंगे, तो आपको मोबाइल फ़ोन से नहीं करना है, किसी CSC सेंटर या लैपटॉप कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।